नमस्कार दोस्तों, आज 7 जुलाई 2022 दिन वीरवार। दोस्तों जान लेंगे दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियां हैं, आज का क्या कुछ रेट खुला आलू की, क्या पोजीशन है, कितना बैलेंस, जिनका भाई साहब का 12 महीने आलू बेचने का ही काम है। सर जी नमस्कार जी। सर जी आज का कैसा बाजार चला जी, कितनी गाड़ियां हैं जी मंडी में? नमस्कार जी भाई साहब, 113 गाड़ी आलू है। हाँ जी, इसमें 57 गाड़ी कोल्ड स्टोर की हैं, 33 गाड़ी चिप्स होने की है चंदौसी साइड की। हाँ जी, और 13 गाड़ी जो है सूर्य की है। अच्छा जी, 6-7 गाड़ी जो है लाल की है। हाँ जी, बिक्री जो है चिप्स होने की और सूर्य की अधिक है। अच्छा जी, स्टोर के मुकाबले स्टोर का जो गीला आलू है उसकी बिक्री हल्की है, सूखे की बहुत है। अच्छा जी, सूखा आलू अच्छा बिक रहा है जी। सूखा आलू जो है जो सूख के आया है वो 900 रुपये का, 880 रुपये का ऐसे। कौन से वाला जी? 37-97। अच्छा जी, गुल्ला जो है 700, 725, 750। हाँ जी, ऐसे बेचे हैं। ये देखो ये नौ, ये गीला आलू है ये। हाँ जी, हाँ जी, नौ, ये 860 रुपये का बिका है। अच्छा जी, 860 रुपये का बिका है। और चिप्स होना है, ये चिप्स होना जो एक ग्लास साइड का है। हाँ जी, ये जो है 930 का बिका है। अच्छा जी, और सूर्य आलू था मेरे पास आज एक बहुत बढ़िया। हाँ जी, वो 1211 रुपये का बिका। 1211 का, वो कहाँ वाला था जी? वो चंदौसी का था जी, चंदौसी वाला। हाँ, उसका गुल्ला भी जो है 1020 का बिका। अच्छा जी, इतना बढ़िया था, 37-97 में गुल्ला बहुत बढ़िया था, 750 रुपये का बिका। जो अच्छे आलू है उनको तो सुबह ही सुबह बिक जाते हैं। हाँ जी, सुबह बिक जाते हैं। हम देखो जैसे ये गुल्ला है ये 550 का बड़ी मुश्किल बिक रहा है। अच्छा जी, साइज भी छोटा है, दागी भी है। अच्छा, चिप्स होने का गुल्ला बेचा है हमने 950 रुपये का, ये भी चिप्स होने का है। देखो इसका साइज छोटा है, ये 810-820 का बिक रहा है। हाँ जी, दोनों ही गुल्ले हैं। अच्छा जी, तो बिक्री कुल मिला के कल में और आज में क्या है? नहीं, बिक्री ठीक है जी, बिक्री में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्वालिटी में दिक्कत है। अच्छा आलू हो, चाहे चिप्स होना हो, चाहे 37-97 हो, सूर्य हो, सब बिक जाता है। जो भी 10-12 गाड़ी 15 गाड़ी रहती हैं, हाँ जी, वो हल्के आलू की रहती हैं। अच्छा जी, जिसका हम 1 रुपये के आलू है उसके 125 मांगे तो फिर क्या करेगा? अब बिक्री बढ़ी जी कुछ आलू की, जैसे बरसातें चल गई। बिक्री क्या जी, ठीक ही है, बिक्री में कोई कमी नहीं है। अच्छा जी, हल्के भारी का फर्क है, कस्टमर की जो पावर है वो परचेजिंग पावर अच्छी है। हाँ जी, वो बढ़िया चीज़ खरीदना चाहता, हल्की चीज़ नहीं खरीदना चाहता। अच्छा जी, एक बरसात की वजह से अब सूखा आलू बिकता है, गीला नहीं बिकता। अच्छा जी, इसलिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि वो आलू को सुखा के भेजें, जिससे उनके पैसे अच्छे बन जाए। अच्छा, गीला आलू जो ले जाता है उसका सेम डे बिक गया तो सही है। हाँ जी, और अगले दिन नहीं बिकता तो उसका आलू दागी हो जाता है। अच्छा जी, कार्ड के अंदर से काला निकलने लगता है, तो जो गीला आलू है वो ही लेता है जो दिन के दिन बिक जाए। अच्छा जी, और यहाँ एक दिन रुक जाए तो फिर उसमें 50-100 रुपये कम हो जाते हैं। और सर जी डायमंड वगैरह इसकी क्या पोजीशन जी? डायमंड ये पड़ा हुआ, डायमंड 1000 रुपये का दिया है, 1020 का परला। अच्छा, वो जी कहाँ वाला है जी? ये चंदौसी। अच्छा जी, ये डायमंड है। अच्छा जी, और जी अपना LR की क्या पोजीशन चल रही है? LR जो है 900 रुपये का पड़ गया। LR 900 रुपये। अच्छा जी सर जी, अच्छा एक बात बताओ, आप तो अपनी फार्मिंग भी करते हो, खेत भी हैं जी, आप खेती भी करते हो जी, तो किसान के लिए जो बेस्ट आलू है, जो प्रोडक्शन भी है और जिसमें पैसे भी लास्ट में कमा जाए, तो इन आलुओं में कौन सा आलू बढ़िया रहता है? देखो जी, सबसे अच्छी वेरायटी तो 37-97 और चिप्स होना है। अच्छा जी, पुखराज आलू अगर बोना है तो उसको तो कच्चे में ही खोद के बेच देना चाहिए। अच्छा जी, स्टोर में नहीं रखना चाहिए, यानी उसको फिर जिसको अगली फसल लगानी हो तुरंत जल्दी, हाँ, उसके लिए पुखराज है। पुखराज बोए और उसको कच्चे में खोद के बेच ले। अच्छा जी, क्योंकि वो कच्चे के मतलब का है, स्टोर में रखने से नहीं बनता। अच्छा, स्टोर के रखने की जो क्वालिटी है वो सूर्य है, चिप्स होना है, 37-97 है। हाँ जी, ये आलू जो है स्टोर से निकल के अच्छे बिकते हैं। तो ज्यादा डिमांड मंडी में चिप्स होने की रहती है कि सूर्य? अच्छा, 37-97 की अब धीरे धीरे डिमांड कम होती जा रही है। अच्छा जी, हमारी मंडी में तो विशेषकर जो है बिक्री सूर्य और चिप्स होने की रह गई है। अच्छा, क्योंकि जो नए आलू आते थे शिमले के, हल्द्वानी के, ये सब फेल हो गए, ये चिप्स होना और सूर्य ने सब एक तरफ से जो है काम खत्म कर दिया, यही हम मार्केट में, इन्होंने जगह ले ली उसकी, हिमाचल वाले की और हल्द्वानी वाले की। परिवर्तन जो है नियम है कुदरत का, जगह बदलती रहती है। अच्छा जी, अब जो है हल्द्वानी इतना पसंद नहीं करते, आता ही नहीं आलू मार्केट में, करे क्या, कोई कमी आता है, बहुत कमी आता है। जो सूर्य है वो 12 महीने मिलता है। अच्छा जी, सोना मिलता है तो लोगों के वही मूल लग गया। अच्छा जी, वही पसंद करते हैं, हलवाई भी और अच्छे खाने वाले, यानी ज़्यादातर चिप्स होना चलता है जी। चिप्स होना और सूर्या। अच्छा, सूर्या लंबी सेफ में होता है, उसे कस्टमर हल्द्वानी करके बेचता है। तो प्रोडक्शन सूर्या की ज़्यादा है खेतों में या इसकी चिप्स? कोई खास फर्क नहीं, ठीक है दोनों की प्रोडक्शन। अच्छा जी, सबसे अच्छी ज़्यादा प्रोडक्शन तो पुखराज की होती है, इसलिए किसान उसे बोता है, मगर वो स्टोर में रख ले जाकर नहीं है।
अच्छा जी, वो वैरायटी टाइप आलू है, वो जल्दी छटक जाता है, उसे तो बोवे और खोद के बेच दे। अच्छा, स्टोर में रखना है तो 37-97 है, चिप्स सोना और सूर है। अच्छा जी, एक भूल के भी जो है एक नया आलू चला है नीलकंठ, उसे ना लगाया जिन्होंने पिछले साल बोया है। हाँ जी, उनका बेचारों का किसी भाव का नहीं बिक रहा है। अच्छा जी, चिप्स सोना 3 और नीलकंठ दोनों ये बीज फेल हो चुके हैं। अच्छा, कृपा करके दोनों, इन दोनों बीज को किसान ना बोए। अच्छा जी, ज़्यादा बिक्री चिप्स सोने की है जी? चिप्स सोना, सूर्य, 37-97, ये स्टोर के मतलब। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अपनी दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर जी? अशोक आलू कंपनी, A291 सब्जी मंडी आजादपुर, मोबाइल नंबर 9810053673। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी जानकर। धन्यवाद सर।